चाणक्य, आदरणीय अमित भाई शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। मेरा जोरदार तालियों से सभी लोग तालियां बजा करके आमंत्रित करें माननीय अमित शाह जी को। बोलिए भारत माता की। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। आप लोग बैठ जाइए जरा, प्लीज बैठ जाइए। मित्रों, सातों विधानसभा छिंदवाड़ा क्षेत्र की और 24 में छिंदवाड़ा लोकसभा भी अगर जीतनी है तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। ये खींचो खींच भरी हुई सभा, अंत तक जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग दोनों हाथ उठाए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश भाई वीडी शर्मा जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और दिग्गज आदिवासी नेता श्रीमान फगन सिंह पुलस्ते जी, गृह मंत्री मध्य प्रदेश भाई नरोत्तम मिश्रा जी, सांसद श्री दुर्गादास जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्रीमान मुरलीधर राव जी, प्रदेश के संगठन मंत्री श्रीमान हितानंद शर्मा जी, प्रभारी मंत्री छिंदवाड़ा श्री कमल पटेल जी, प्रदेश महामंत्री भाजपा बहन कविता पाटीदार जी, जिला अध्यक्ष भाजपा विवेक बंटी साहू जी, और आज इस विजय संकल्प की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, अरे बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। मित्रों, सबसे पहले अचल कुंड के दादाजी के दरबार में प्रणाम करकर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जल, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजों के खिलाफ थका देने वाली लड़ाई लड़े हुए श्री बादल भोई और सिंधवाड़ा क्षेत्र के सभी स्वतंत्र सेनानियों को मैं भी प्रणाम करता हूं। यही छिंदवाड़ा की भूमि है जिसने रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और धनोरा का पराक्रम ऐसे कई सारे आंदोलनों से आजादी की लड़ाई को धार देने का काम किया था, वो छिंदवाड़ा की समग्र जनता को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, हमारा छिंदवाड़ा क्षेत्र जनजाति भाइयों से भरा हुआ पड़ा है। पिछड़े समाज के
भाइयों बहनों से भरा हुआ है। ये छिंदवाड़ा क्षेत्र में मैं जब आया हूं तब मैं कहना चाहता हूं केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने आदिवासियों और पिछड़ा समाज के लोगों के सम्मान की चिंता की। मित्रों अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2021 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाकर देश भर के आदिवासी भाइयों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा पिछड़ा समाज की बात करती थी मगर आज तक पिछड़ा समाज के कल्याण का कोई काम नहीं किया। 2014 में जब आप लोगों ने 2/3 बहुमत से मोदी जी को जिताया तो मोदी जी ने ओबीसी समाज को अधड़ बैकवर्ड क्लास के कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़ा समाज के सम्मान की नींव डालने का काम किया। मोदी जी ने ही आजादी के 75 साल के बाद पहली बार गरीब आदिवासी घर की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का सम्मान किया है। भाइयों बहनों जनजातीय संग्रहालय बनाने की बात की और कई सारे जनजातियों के लिए फैसला करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जब 2014 में देश की जनता ने मोदी जी को चुनकर भेजा मोदी जी ने कहा कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की गरीब पिछड़े आदिवासी और दलितों की सरकार है। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया पर गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। एक 9 साल के अंदर मोदी जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है। 60 करोड़ लोगों के परिवार में बैंक अकाउंट पहुंचाया, 13 करोड़ लोगों को घर में गैस का सिलेंडर दिया, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाया, 3 करोड़ लोगों को अपना स्वयं का घर देने का काम किया, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। और छिंदवाड़ा वालों बताओ कोरोना के दोनों टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं? जिन जिन के टीके हो गए हाथ उठाओ तो जरा, सबके लग चुके ना। मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को मुफ्त में टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे इसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। मित्रों मैं आज कमलनाथ जी को पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जी आपको एक मौका दे दिया था मध्य प्रदेश की जनता ने, आपने क्या किया इसका हिसाब किताब तो जरा छिंदवाड़ा वालों को लो। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भाई जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे नया करने का छोड़ो, कमलनाथ ने भ्रष्टाचार कर हमारे शिवराज जी जो छोड़ कर गए थे वो मध्य प्रदेश की संपत्ति को भी लूट खसोट करने का काम किया। कल्हान कॉम्प्लेक्स बांध में
सैकड़ों करोड़ रुपया कोई प्रक्रिया के बगैर एडवांस पेमेंट कर दिया, उनके इर्द गिर्द के लोगों के भी नाम इसके अंदर भी आए, अगस्ता वेस्टलैंड के गोटले गपले घोटाले में भी आए। इन्होंने आते ही, उन्होंने पहले चुनाव में कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया था भाई बेरोजगारी भत्ता किसी को? जरा जोर से बोलो, दिया था? वृद्धावस्था का पेंशन बढ़ाने वाले थे, बढ़ाया था क्या? और मित्रों, जो चल रहा था शिवराज जी ने शुरू किया था वो भी बंद कर दिया। संबल योजना बंद कर दी थी, तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, और न जाने कितनी ही गरीबों की योजनाओं को बंद करने का काम कमलनाथ जी ने किया। कमलनाथ जी, मैं आपके क्षेत्र में आया हूं, मैं कहता हूं आपने कहा था सातपुड़ा सहकारी शक्कर कारखाना खोलेंगे, कारखाना खुला है तो जरा बता दो। हर्राडोल कोयला खदान, भाकरा कलान का भूमि पूजन किया, आपने चालू नहीं किया। हरई विकास खंड में माचिस का कारखाना खोलने का वादा किया था, वो भी नहीं हुआ। चौरसा में पेंच थर्मल पावर बनाने की घोषणा हुई, नहीं हुआ। छिंदवाड़ा शहर वालों, दो फ्लाईओवर बनाने का कहा था, बने हैं क्या? अरे जरा बोलो भाई, बने हैं क्या? बंधन डैम की योजना भी आपने 73 में कहा था, 2003 में शिवराज सिंह चौहान ने उसको पूरा किया, आपने पूरा नहीं किया था। एक कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी दोनों वादा करने के लिए ही आमदा रहते हैं, पूरा नहीं करते हैं। ये छिंदवाड़ा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3400 करोड़ रुपए का बजट दिया और 1,26,000 हेक्टर भूमि को माचागोरा जलाशय के माध्यम से सिंचित करने का काम हमारे शिवराज जी ने दिया। छिंदवाड़ा में एम्स से संबंध अस्पताल के लिए 800 करोड़ रुपया दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपया की लागत से 30 रोड बनाए। लगभग नेशनल हाईवे के रिपेयरिंग में 412 करोड़ खर्च किए। छिंदवाड़ा से नागपुर और छिंदवाड़ा से मंडला ट्रेन की लाइन को भी दोहरीकरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने, ये कमलनाथ जी ने वादों के अलावे कुछ नहीं किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे अभी दर्शन करने भी जाना है। मैं बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता, मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये कश्मीर वो जो है वो भारत का है या नहीं है, बताइए भैया, जोर से बोलिए, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी आजादी से अब तक धारा 370 को लटकाती थी, भटकाती थी, अटकाती थी, नहीं हटाती थी। मोदी जी ने एक दिन 5 अगस्त 2019 को संसद में एक बिल लाकर धारा 370 को समाप्त कर दिया। और मित्रों, इसके साथ ही भारत माता का मुकुट मणि हमारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया। ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। उनके जमाने में पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया हरोज घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, कांग्रेस उफ नहीं करती थी, उफ
नरेंद्र मोदी जी ने जब पुलवामा और उरी में पाकिस्तान ने हमला किया, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने समग्र वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों से उग्रवाद को लगभग समाप्त करने का काम किया है। इस देश को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। ये देश को समृद्ध बनाने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और इस देश के गरीबों के कल्याण का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मध्य प्रदेश में भी इतने सालों से हमारी सरकार रही, जनजातियों के लिए समग्र देश में सबसे पहले पेशा कानून को लगाने का काम हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मित्रों, मैं आज आपको अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, एक क्षेत्र से अंदर बहुत कम बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। पटवाजी को एक बार जिताया था, लागत चुनाव में 36,000 वोट से कम पड़ गए थे। मुझे बताइए, विधानसभा के चुनाव में 7-7 छिंदवाड़ा मत क्षेत्र की 7-7 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे क्या? जोर से बोलिए, जिताएंगे। 24 में छिंदवाड़ा सीट जिताएंगे। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाएंगे। 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।